Welcome to World of Fashion and Designing. Fashion and Designing is all about dreaming. So be an eyefight, fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFA. Yes, I am an IFA. Design your future. उत्पीड़न और मानसिक शोषण से परेशान डीएलएड के छात्र छात्राएं न्याय की गुहार लगाने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। छात्र छात्राओं का कहना है कि श्री पूरन प्रसाद गुप्ता मेमोरियल डिग्री कॉलेज ग्राम अकबरा पोस्ट अर्तोनी आगरा डीएलएड के छात्र छात्राओं को ब्लैकमेल करने के साथ उनको जान से मारने की धमकी दे रहा है। अपने भविष्य की चिंता करते हुए जिलाधिकारी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। समस्या सर मेरी ये है कि हम लोगों का शोषण हो रहा है, वहाँ पे फिजिकली भी हो रहा है सर। हम लोगों से अवैध वसूली की जा रही है, जहाँ पे सर 300 रुपये लगने चाहिए वहाँ से हमसे 3000 रुपये लिए जा रहे हैं, और हम लोगों को टूर का हमसे 10000 रुपये लिया गया, उसका कोई वो नहीं है। और उसके बाद हमसे 12000 रुपये किट का लिया गया, हमको मुश्किल से 400 रुपये की बुकें मिली होंगी और 12000 रुपये हमसे लिया गया हुआ है। और टीचिंग लेटर जब हम लोग लेने गए तो मुझसे ये बोला गया कि 12000 रुपये जमा करो तभी तुमको टीचिंग लेटर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं तो तुम्हारा लेटर आया नहीं हुआ है। और स्कॉलर सर हम लोगों की स्कॉलर सरकारी छुट्टी होने पर भी हम लोगों की स्कॉलर 1:32 पर ट्रांसफ़र हो गई है कॉलेज के अकाउंट में। धमकी दे गए और धमकी ये दे सर धमकी ये दे रहे हैं कि अगर तुम लोग अगर ये सब करोगे तो तुम लोगों का मैं एडमिशन कैंसिल करवा दूंगा और तुम लोगों की परीक्षा रद्द करवा दूंगा और डॉक्यूमेंट जला देंगे। सर हम लोग करीब करीब 20 से 25 लोग हैं और जो ये सब हम लोग कर रहे हैं, और बच्चे आ नहीं रहे हैं, उनसे इन लोगों ने फीस ले पैसा ले लिया है ना आने का, 20-20 हज़ार रुपये लिया है, जो बच्चे नहीं आ रहे हैं। जी सर मेरी डीएम साहब से बात हुई है, उन्होंने प्राचार्य सर को फ़ोन किया है डाइट पे और उनसे बोल दिया है कि बच्चे आ रहे हैं, जो भी बच्चे कह रहे हैं उनका वो सारा समाधान करिए आप। हम लोग सर ये चाहते हैं कि हम कॉलेज से अपना दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, उस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहते। अगर हम लोग उस कॉलेज में जाएंगे तो हमको वो कुछ भी एक्सीडेंट करवा सकते हैं। वो तो ये भी बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम 4-5 लाख रुपए बर्बाद करके तुम लोगों को मरवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ऐसी बातें कर रहे हैं। सर मुझे 6 महीने से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि मेरा एडमिशन है लेकिन मेरा कोई एडमिशन नहीं है, और सर ने मुझसे जो पैसे लिए हैं उसके लिए भी मना कर रहे हैं कि हम तुम्हें नहीं देंगे, और डॉक्यूमेंट्स भी वापस देने के लिए मना कर रहे हैं। सर मुझसे जो लिए थे 50000 रुपये तो अलग हैं, प्लस किट भी है, टूर के पैसे हैं। टोटल कितने रुपए ले लिया सर? अब तक मेरा 75 हो गया। 75000 रुपये ले लिया। हाँ जी। क्या कहते हैं उसको? सर कहते हैं कि ये कोई सब्जी मंडी की दुकान है, जो तुम जब मन चाहे मुंह उठा के चली आती हो और मैं तुमको दे दूँ। सर मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मेरा पेमेंट वापस मिले, मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस मिले, और सर मैं एक नहीं हूँ, हम 4 बच्चे हैं, और सर अगर वो देते भी हैं तो मैं कैश भी नहीं लूँगी ना ही मैं चेक से लूँगी, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। और सर वो मुझे मतलब वो बहुत ऐसे बोलते हैं कि तुम लोग आओगे तो मैं तुम्हें ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, मतलब धमकी भी देते हैं। हाँ धमकियां भी देते हैं। उच्च शिक्षा अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है कि महाविद्यालय संचालक अवैध वसूली कर रहे हैं। श्री पूरन प्रसाद गुप्ता मेमोरियल डिग्री कॉलेज प्रबंधक की धमकी और अवैध वसूली से छात्र छात्राओं में खौफ व्याप्त है। और हमसे 12000 रुपये लिए थे किट की किताब के, इसके अलावा हमसे 3000 रुपये लिए और टूर के 10000 रुपये लिए, कह रहे थे कि रुपए दो नहीं तो तुम्हें निकाल लेंगे। फिर हमने 3 दिन उस जंगल से निकाला, अकेले रोते हुए आए, और कह रहे थे हमने जब अकाउंट नंबर मांगा बोले निकल जाओ गेट आउट, तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया, और तुम्हारा वो 4 साल की बेटी से ही कराएंगे और तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, और तुम्हारी शक्ल भी पसंद हमें नहीं लगती, निकलो यहाँ से बाहर। महाविद्यालय की करतूत से डीएलएड के विद्यार्थियों में इतना खौफ व्याप्त है कि वे विद्यालय नहीं जाना चाहते और अपना स्थानांतरण किसी अन्य स्कूल में कराना चाहते हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर छात्र छात्राएं डायट प्राचार्य अहिवरण सिंह से मिले। डायट प्राचार्य ने श्री पूरन प्रसाद गुप्ता मेमोरियल डिग्री कॉलेज से जवाब मांगने के साथ डीएलएड स्टूडेंट्स को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। ये पूरन प्रसाद डिग्री कॉलेज है जो बीटीसी वीक चलाता है, इन बच्चों की शिकायत है कि वो हमको प्रताड़ित करता है फीस के नाम पे, तो शिकायत आ गई है उसकी, और शिकायत को उससे जो है मांगा जा रहा है स्पष्टीकरण, यदि दोष उसका सिद्ध होगा तो उसके खिलाफ शासन को कार्रवाई ले लिखा जाएगा। बच्चों ने तो है, वो स्कूल जाना नहीं चाहते। कोई डरने की जरूरत नहीं है, बच्चे जाएं, कोई समस्या नहीं, कोई कानून व्यवस्था का शासन है कोई ऐसा नहीं।
यह पहला मामला नहीं है कि प्रवेश और डिग्री मुहैया कराने के नाम पर महाविद्यालय अवैध वसूली कर रहा है। आखिर क्यों उच्च शिक्षा अधिकारी मुख दर्शक बने रहते हैं? 7 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।